रांची से बिहार जाने वाली 90% बसें बंद। कोरोना लॉकडाउन ने बस मालिकों की तोड़ी कमर। झारखंड व उससे सटे पड़ोसी राज्यों में चल रहे लॉकडाउन ने निजी बस मालिकों से लेकर बस स्टैंड संचालकों की कमर तोड़ दी है। वहीं 16 मई से झारखंड सरकार इंटर डिस्ट्रिक्ट व इंटर स्टेट बस सर्विस पर 27 मई तक पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। इसका असर राज्य के सबसे बड़े बस टर्मिनल काटाटोली खादगड़ा बस स्टैंड में देखने को मिलने लगा है। बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा हुआ है। गिने चुने यात्री ही स्टैंड परिसर में दिख रहे हैं। बस के एजेंट काउंटर खोलकर यात्री आने के इंतजार में सुबह से बैठे हुए थे। बिहार जाने वाली कुछ बसों की छत पर सामान लोड किया जा रहा था। न बस के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी और न ही माइक से बस के खुलने के समय की घोषणा हो रही थी। यात्री कम होने के कारण खादगड़ा बस स्टैंड से बिहार जाने वाली 90% बसें नहीं चल रही है। उदाहरण के तौर पर खादगड़ा से जहां आम दिनों में सिवान छपड़ा के लिए 10 से 11 बसें खुलती थी, वहीं अब इनकी संख्या 1 या 2 पहुंच गई है। रांची से सिवान छपड़ा गोपालगंज जाने वाली चंद्रलोक की 4 में 1 बस ही खुल रही है। वहीं बिहार जाने वाली पावापुरी ट्रेवलर्स की बसें यात्री नहीं मिलने के कारण बंद हो गई है। सिवान छपड़ा की तरह रांची से बिहार और ओडिशा के शहरों में जाने वाली बसों का यही हाल है। रांची से पटना के लिए जाने वाली बसों की संख्या घटकर 10% हो गई है। बोकारो धनबाद के लिए 30 बस की जगह 1 रवाना हुई। रामगढ़ बोकारो और धनबाद के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि पहले यहां रोजाना खादगड़ा से बोकारो और धनबाद के लिए 30 से अधिक बसें खुलती थी। वहीं आज मुश्किल से 1 या 2 बसें ही जा रही हैं। मुस्ताक ने बताया कि यात्री आ ही नहीं रहे। 50 सीट की क्षमता वाली एक बस में मुश्किल से 10 से 15 यात्री ही मिल पा रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि डीजल तक का पैसा नहीं निकल पा रहा है। वहीं बस संचालक शमशेर खान ने बताया कि संक्रमण की दर से कम यात्री सफर कर रहे हैं। उन्हें इतनी भी आमदनी नहीं हो पा रही है कि संचालक अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन दे पाए। NF स्टैंड से पहले प्रतिदिन 500 बसें पूरे राज्य और बिहार बंगाल के लिए चलती थी, पर कोरोना और मिनी लॉकडाउन की वजह से बसों की संख्या 50 से 60 हो गई है। ठेकेदार अरफान ने कहा कि पिछले 1 साल से कोरोना काल में स्टैंड भारी नुकसान में चल रहा है और अब तो स्थिति बदतर हो गई है। स्टाफ को पैसे देने की भी स्थिति नहीं है। यही स्थिति रही तो स्टैंड सरेंडर करना होगा। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। Thank you.